फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है, मैं हूं यश। इस लेक्चर में हम दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से संबंधित सारे करंट अफेयर्स देखेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑली रोपवे के बारे में। देखिए, उत्तराखंड के जोशीमठ टाउन में फ्रिक्वेंटली बहुत सी लैंडस्लाइड्स नोटिस की गई, इसलिए वहां पर कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया, इसलिए ये प्रोजेक्ट न्यूज में आ रहे थे। इन प्रोजेक्ट्स को NTPC देखता है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसके ऑपरेशन को देखता है। यहाँ पर जोशीमठ ऑली रोपवे सितंबर 1993 से स्टार्ट हुआ था बनना। ये केबल कार राइड है, सेकेंड हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट केबल कार है पूरे एशिया की। पहला है गुलमर्ग केबल कार। अब तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो 520 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये, जिसे धौली गंगा रिवर पर बनाया जा रहा है चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। देखिए, ये जोशीमठ जो है ये बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के मध्य उपस्थित है, हाईली रिस्क ऑफ अर्थक्वेक एरिया में आता है, जोन 5 में आता है सीस्मिक एक्टिविटीज में। आगे जानते हैं ब्लैक बक के बारे में। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने इन पर स्टडी की है और पता लगाया है कि ये वेरियस नेचुरल और ह्यूमन मेड चैलेंजेस को किस तरह से फेस करते हैं। अब ये जो ब्लैक बक है, ये इंडियन एंटलोप के नाम से जाना जाता है, सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है, इंडिया नेपाल में, और ग्रासी लैंड, लाइट फॉरेस्ट, जिनके पास पेरेनियल वाटर रिसोर्सेज होते हैं, वहां पाया जाता है। इसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में उपस्थित है और साइट्स के अपेंडिक्स 3 में है। भारत में ये पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है। उड़ीसा में इसे कृष्ण मृग कहा जाता है। माना जाता है चीता के बाद ये सबसे फास्टेस्ट एनिमल है। इंडिया में इनके लिए स्पेशली डेडिकेटेड कंजर्वेशन रिजर्व ट्रांस यमुना बेल्ट प्रयागराज के पास उपस्थित है। आगे हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर। इसकी एक रेयर स्पीसीज कानपुर के ईदगाह कब्रिस्तान में देखी गई। ये वल्चर इतना इम्पोर्टेंट है कि कहा जाता है कि हिमालय का सबसे लार्जेस्ट और हैवीएस्ट बर्ड है ये, हिमालयास और तिब्बतियन प्लेटू में पाया जाता है। इसका IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से लेकर पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, वेस्टर्न चाइना, मंगोलिया आदि में पाया जाता है। थाईलैंड, बर्मा, सिंगापुर, कंबोडिया आदि में भी देखने मिलता है। आगे जानते हैं पेन गंगा रिवर के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने हाल ही में पेन गंगा रिवर पर बनने वाले चनक्का कोराटा बैराज को, जो कि एक बांध है, उसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया है। चनक्का कोराटा बैराज एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसे दो स्टेट शेयर करते हैं, पहला तेलंगाना और दूसरा महाराष्ट्र। इसे मार्च 2016 में शुरू किया गया था। पेन गंगा रिवर की बात करें तो ये महाराष्ट्र के बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ये वर्धा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये वाधा नामक गांव में वर्धा रिवर में मिलती है, उसके बाद प्राणहिता रिवर की ओर बहती है और फिर जाकर गोदावरी में मिल जाती है और अंत में बे ऑफ बंगाल में गोदावरी रिवर जाके मिलती है। पेन गंगा रिवर की भी सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज हैं, जो है अदान, कास, अरुणावती, कयाधु और पूस रिवर। आगे जानते हैं लचिन कॉरिडोर के बारे में। ये अर्मेनिया का रीजन है। देखिए, नोगारो कारबाख रीजन के लिए अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच बहुत टाइम से वॉर हो रहा है, तो हाल ही में लचिन कॉरिडोर में उपस्थित जो अजरबैजान के प्रोटेस्टर्स हैं, उन्होंने इस रीजन को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि इस रीजन से इलीगल माइनिंग देखने मिल रही थी। आगे जानते हैं महाबली फ्रॉग के बारे में। हाल ही में केरल के स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ केरल ने महाबली फ्रॉग को स्टेट फ्रॉग घोषित करने की बात कही है। ये फ्रॉग पर्पल कलर का होता है, सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही पाया जाता है, नमी वाले क्षेत्रों में देखने मिलता है। साल के अधिकतर समय ये पानी के अंदर ही रहता है, मानसून में 2 या 3 वीक के लिए ऊपर आता है। इसका नाम मिथिकल किंग महाबली के नाम पर दिया गया है। ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है, इसलिए कंस्ट्रक्शन, क्वेरिंग और पॉल्यूशन से इसे खतरा होता है। IUCN में ये नियर थ्रेटन लिस्ट में है। आगे है ग्रेटर स्कोप। ये एक प्रकार की डक है जो मणिपुर के लोकटक लेक में देखने मिली है 90 साल के बाद। मिड साइज डाइविंग डक है ये, लोकली इसे सदंगमैन भी कहा जाता है। यूरोप में इसे स्कोप ही कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में ब्लू बिल के नाम से जानी जाती है। इसके हैबिटेट अलास्का, नॉर्दर्न कनाडा, साइबेरिया, यूरोप के उत्तरी भाग में और एशिया में भी पाई जाती है। लार्ज ग्रुप में देखने मिलते हैं ये। IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। आगे जानते हैं केवड़ा ऑयल के बारे में। हाल ही में इस ऑयल की डिमांड बढ़ गई है। देखिए, उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में होता है ये ऑयल, पाइन प्लांट के मेल फ्लावर से निकाला जाता है। देखिए, उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पॉलिसी चलाई है वेरियस फार्मर्स को मार्केट से लिंक करने के लिए, मार्केट लिंकेज, उसी के चलते इस ऑयल की डिमांड बढ़ गई है। अब इसमें केवड़ा ऑयल मेल फ्लावर से निकलता है, जो स्वीट और परफ्यूम ऑडर वाला होता है, मतलब इससे सेंट बनाई जाती है। साथ ही इसे मंदिर में भी चढ़ाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फूड इंडस्ट्री और अदर सेक्टर्स इसे एरोमेटिक और फ्लावरिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं।
जानते हैं पर्स सीन फिशिंग के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को हाल ही में कहा है कि पर्स सीन फिशिंग को बैन करना कुछ स्टेट्स में जस्टिफिएबल नहीं है। देखिए पर्स सीन फिशिंग में क्या होता है कि एक बड़े नेट को वाटर बॉडीज के एक बड़े एरिया में फैला दिया जाता है, जिससे कि जितने भी मरीन एनिमल्स उस एरिया में होते हैं वो सभी नेट में आकर फंस जाते हैं। इसके चलते कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज भी इसमें शिकार हो जाती हैं, इसीलिए इसे बुरा माना जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट फिशिंग के मामले में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि फिशिंग एक स्टेट का सब्जेक्ट है। तो इसी के चलते तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी, ओडिशा, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे कुछ यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स ने 12 नॉटिकल माइल्स के एरिया तक इस पर्स सीन फिशिंग को बैन करके रखा है। आगे जानते हैं कैल्प फॉरेस्ट के बारे में। हाल ही की स्टडी कहती है कि क्लाइमेट चेंज के कारण कैल्प फॉरेस्ट घट रहे हैं। देखिए ये कैल्प फॉरेस्ट अंडर वाटर इकोसिस्टम है जिसमें बहुत सी स्पीसीज भी रहती हैं। ये लार्ज ब्राउन एल्गी सीवीड्स हैं। ये तटों के पास कूल और सैलो वाटर में रहते हैं। अब इसमें कैल्प का मतलब होता है मरीन एल्गी। जब ये छोटे एरियाज में पाए जाते हैं तो उसे कैल्प बेड कहा जाता है। देखिए पूरे वर्ल्ड में टोटल अर्थ सरफेस का 0.1% बस कवर करते हैं ये, लेकिन ग्लोबल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इनकी 0.9% है, मतलब बहुत प्रोडक्टिव है। कैल्प फॉरेस्ट को अंडर वाटर रेन फॉरेस्ट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हाई बायोडायवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी मिलती है। साथ ही ये कोस्टल प्रोटेक्शन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जैसे कार्य भी करते हैं इकोसिस्टम में, साथ ही बाइंडिंग एजेंट के रूप में भी काम करते हैं जैसे आइसक्रीम, सीरियल, योगर्ट, टूथपेस्ट, लोशन आदि में। हाल ही में फिजी न्यूज में था क्योंकि यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर नए ओथली है जो है सिती बेनी रबुका। देखिए फिजी की लोकेशन देखें तो ये ओशियाना रीजन का पार्ट है, प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट दिशा में पड़ता है। यहाँ यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट लवुका हिस्टोरिकल पोर्ट टाउन मौजूद है। इसका हाईएस्ट पीक टोमानीवी 1324 मीटर ऊंचाई का माउंट विक्टोरिया में उपस्थित है। इसका सबसे बड़ा आइलैंड विटी लेवू है। इसके आसपास कोरोसी, नॉर्थ ऑफ ऑकलैंड और न्यूजीलैंड उपस्थित है। 1874 से ये ब्रिटिश कॉलोनी रहा है लगभग 100 साल तक। 1970 में इसे इंडिपेंडेंस मिला। इसका कैपिटल सुवा है। आगे जानते हैं महादेई रिवर के बारे में। ये गोवा की लाइफलाइन कहलाती है, महाराष्ट्र से गोवा में बहती है। गोवा में महादेई और जुआरी रिवर दो ही प्राइमरी रिवर्स हैं। यहाँ पर मार्मुगाव हार्बर भी है, पणजी इसी महादेई रिवर के पास उपस्थित है। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। मुख्यतः कर्नाटक के बेलगावी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है ये नदी, मतलब ये कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र तीनों स्टेट्स में बहती है। आगे जानते हैं ऐसे IME इनिशिएटिव के बारे में। ये 2019 में स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव है सुंदरवन के एरिया में मैंग्रोव को रिस्टोर करने, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम इनिशिएटिव 2019। कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव है ये, जिसे वेरियस NGOs मिलकर कंसीव कर रहे हैं। NGO के नाम है, पहला नेचर एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सेफ्टी न्यूज, दूसरा ग्लोबल नेचर फंड GNF, फिर है नेचरलैंड, फिर बांग्लादेश एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी BETS, जो कि मैंग्रोव के बहुत फायदे होते हैं एनवायरमेंटल प्रोस्पेक्ट से भी और सुनामी जैसी आपदाओं से बचाने के लिए भी, इसीलिए इन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और ये शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं बहुत सी वाइल्ड लाइफ को, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। आगे जानते हैं शियोम ब्रिज के बारे में। हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है अरुणाचल प्रदेश में। ये 100 मीटर का क्लास 70 का स्टील आर्क सुपरस्ट्रक्चर है, मतलब यह 70,000 किलोग्राम या 70 टन के भार को, जो भार उनके व्हीकल का होगा जो इसके ऊपर से गुजरेंगे, उसे बियर कर सकता है। ये सियोम रिवर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। बबात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तो 7 मई 1960 में इसे बनाया गया था। हेडक्वार्टर सीमा सदक भवन न्यू दिल्ली में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है। इंडियन बॉर्डर पर उपस्थित 19 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कार्य करता है। अभी कुछ समय पहले 2021 नवंबर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में BRO का नाम भी दर्ज किया गया हाईएस्ट एल्टीट्यूड रोड बनाने के लिए। लद्दाख के उमलिंग ला में ये रोड बनी।